अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास रुद्रांश को लेके, क्योंकि उसकी ना सडन तबीयत ख़राब हो गई है। कल थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था, बट ना आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक्चुअली उसको पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो इस तरीके से उसको ना ये दाने दाने हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो गए हैं, ये अंदर हथेली पे भी हो रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पैरों पे भी उसको हो रहे हैं रेड रेड, इस वाले पैर पे भी। अभी मैं जा रही हूँ रुद्रांश को डॉक्टर के पास लेके, एंड रुद्रांश के पापा है नहीं, वो गए हुए हैं ऑफिस। मैं चाहती हूँ, एक्चुअली उसको सुबह मैं नहीं था तो ये ऑफिस निकल गए, मैंने सोचा आप चले जाओ ऑफिस और अगर कुछ होगा तो मैं देख लूँगी। मैंने आज इसको स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया कि थोड़ा रेस्ट कर लेगा, इसलिए स्कूल नहीं जाने दिया। बट अभी इनके ऑफिस जाने के बाद इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा के आ दूँ। इसको फेस पे भी हो रहा है यहाँ पे, और लिप्स पे भी हो गया है। सो मैं अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, दिखा के आती हूँ। किचन में खाना वगैरह बनाया था तो बस खाने ही बनाए, उनको टिफिन लगा के दिया मैंने। और डोरी फंस गई है, सो उनको टिफिन लगा के दिया है। मेरा खाना वगैरह बन गया है और अभी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, वो बाद में आके देखेंगे। अभी चलते हैं, इसको लेके जाती हूँ। मैं एक्चुअली रेडी हो गई हूँ, मैं इसको बस लेके ही जाने वाली हूँ। हाँ स्लीपर वॉश कर देंगे। इसलिए समझ में भी नहीं आ रहा ना क्या है, किस चीज़ का है, किस चीज़ से फैला है उसको ये सब। कल थोड़ा थोड़ा दिख रहा था बट आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक्चुअली पीछे इधर तरफ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है उसको। मैं मूवमेंट कर लूँ तो यार थोड़ा सा दर्द दे रहा है। सैंडल्स पहन लो आप। क्यों? ये स्लीपर्स पहन के नहीं चल पाओगे ना, सैंडल्स पहन लो। टाइम हो रहा है 10:30 बजे, तो मुझे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। डॉक्टर वहाँ पे ना 9 बजे बैठता है, तो मैंने सोचा 10 बजे के करीब चलेंगे। और मुझे यहाँ से अगर ऑटो नहीं मिला तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा तो पहुंचने में ही लग जाएगा वहां तक। मुझे ऐसा लग रहा कुछ इन्फेक्शन वगैरह है। अभी चलते हैं, दिखा के आते हैं। मैं और दास दोनों ही जा रहे हैं, तो हम लोगों को ऑटो नहीं मिला, दोनों माँ बेटे पैदल ही जा रहे हैं छाता लेके, क्योंकि धूप हो गई है बहुत तेज है ना। थक गया है रुद्रांश को। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, चलते हैं अंदर। तो अभी मैंने ना नंबर लगवा दिया है, अभी वेट कर रहे हैं नंबर आने का, उसके बाद फिर दिखाएंगे डॉक्टर को क्या वो। क्या डर लग रहा है? एक्चुअली मुझे कफ हो रहा है ना, तो रुद्रांश का बोला है मम्मा आप अपनी खांसी की दवाई ले लेना। जो स्कूल की बुक्स रहती हैं उसमें पढ़ाई नहीं करनी रहती है, और यहाँ पे जो बुक्स रखी हुई हैं इनसे इसको पढ़ना है। रुद्रांश कैसे हो? रुद्रांश, अभी रुद्रांश को डॉक्टर के पास दिखा लिया है, एंड ये देखो थैला भर गया इसके लिए, दवाइयाँ दे दी हैं, और बाकी का जो है वो घर जाएंगे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। और अभी हमें ऑटो मिल गया है, सो ऑटो से हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि धूप हो रही है। और अभी पता है थोड़ी देर पहले ना बारिश का मौसम हो रहा था, एंड अब धूप निकल आई है, तो रुद्रांश इतना चला नहीं जा रहा था, क्योंकि जो हम लोग पैदल आ रहे थे ना तो उससे चला नहीं जा रहा था। बोला था मम्मा आधे रास्ते से ऑटो कर लो ऑटो कर लो, फिर हमने सोचा लौटते टाइम कर लेंगे। तो अभी हमको ऑटो मिल गया है, अब ऑटो से निकलते हैं, है ना। ना नहीं अभी खांसी वासी आ रही ना। अभी हम लोग ना हॉस्पिटल से आ गए थे, फिर उसके बाद इसको दवाई वगैरह खिलाया मैंने, और उसके बाद मैं भी सो गई थी, रुद्रांश को भी सुला दिया था, एंड सो के उठने के बाद फिर मैंने उसको फिर से दवाई दी है, एंड अभी ये लेटा हुआ है। बट अभी आराम नहीं है, अभी एक दो दिन जब वो लोशन वगैरह लगाएंगे ना बॉडी पे, तब थोड़ा सा धीरे धीरे करके आराम मिलेगा। तो अभी मैंने उसको लिटा दिया, एक्चुअली लोशन वगैरह लगा रहे ना तो एक एक्स्ट्रा मैंने बेडशीट डाल दी है और उसी से उसको कवर कर दिया है, जिससे कि अगर हम लोग यहाँ लेटे ना तो दवाई वगैरह पूरे बेड पे नहीं हो।
थोड़ी देर लेटे रहो। एक्चुअली जब उसको ये जो फोड़े हैं ना वो फूट रहे हैं तो दर्द हो रहा है और उसको तो उसको माउथ के अंदर भी हो गया, डॉक्टर ने बताया है। और ये जो उसको जो संक्रमण हुआ ना ये बच्चों में ही देखने को मिल रहा है, सो 5 से 6 साल के उम्र के बच्चों में। एंड मुझे भी पता नहीं क्या हो गया है, वायरल हो गया है, वायरल संक्रमण। अरे 1 मिनट, पैर में भी हो रहा है, हाथ में भी हो रहा है एंड माउथ के अंदर हो रहा है। तो खाने पीने में थोड़ा सा तीखा एंड थोड़ा गर्म, नहीं ज़्यादा नहीं देना है उसको। क्या हुआ डॉक्टर? ऐसी दवाई देते हैं बढ़ने की। बढ़ने की नहीं, ठीक होने की देते हैं। उनको पता नहीं रहता, पता कभी कभार पता रहता है उनको ठीक कैसे होगा। वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं, वो उन्होंने पढ़ाई की ना, तो पढ़ाई जब करते हैं तो सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। रुद्रांश को हो गया है वायरल, आजकल फैल रहा है बच्चों में, 5 से 6 साल के बच्चों के बीच में। HFMD हैंड माउथ फूड डिसीज करके है कुछ बीमारी, तो वो बच्चों में फैल रही है। तो शायद वो स्कूल जाता है, स्कूल से ये सारी चीज़ें उसको हो गई हों। और फिर मतलब पहले मुझे सच बताऊँ ना, इससे पहले इस बीमारी का पता भी नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। मैंने जब इसको देखा तो इसको पहले थोड़ा सा ना यहाँ पे था, यहाँ पे ये वाली फिंगर में, तो एक दो था तो मैंने सोचा इग्नोर किया, मतलब पता नहीं था। तो यही रहता ना कि किसी चीज़ ने काट लिया होगा तो शायद उसकी वजह से हो रहा हो। बट फिर दूसरे दिन उसको यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर उसको थोड़ा सा मुँह के अंदर छाले टाइप के आए, तभी मुझे समझ नहीं आया। फिर उसको ना हथेलियों पर, दोनों हथेलियों पर रेड रेड स्पॉट, तब जाके मुझे समझ आया कि ऐसा कुछ है उसको। फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गई, और डॉक्टर के पास ले गई तब तक तो उसको हैंड और यहाँ कोहनी में बहुत सारी जगह पे उसको हो चुका था, एकदम जो पस वाले जो फोड़े रहते ना वो हो चुके थे छोटे छोटे। सो अभी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है, ट्रीटमेंट किया मतलब देखा और मेडिसिन दे दी, और कुछ एक और ट्यूब है वो दिया हुआ है। सो बस दवाइयाँ दे दी हैं और अभी टाइम लगेगा उसको ठीक होने के लिए। कम से कम इस वाले जो वायरस है ना इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक बच्चा पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा तब तक मैं उसको स्कूल भी नहीं भेज सकती, क्योंकि बाकी और भी बच्चे रहते हैं ना, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपका बच्चा ठीक नहीं होता है तो तब तक आप स्कूल नहीं भेज सकते उसको, क्योंकि बाकी बच्चे को, बाकी बच्चों में भी ये इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अभी उसको कुछ दिन रेस्ट करवाएंगे, स्कूल नहीं जाएगा, बाकी उसका प्रॉपर अभी ध्यान रखेंगे। तो मैं अभी मार्केट से आई ना तो ये लेके आई थी, शायद अगर इसका जूस पिएगा ना तो इसका जूस बना के देंगे, बाकी हम उसको कोकोनट वाटर भी दे रहे हैं। लिक्विड खाएगा ना तो थोड़ा सा उसके पेट में कुछ तो जाएगा, अगर वो खाना नहीं खाता है लिक्विड से तो थोड़ा उसका पेट भरेगा ना। सोच रहे हैं जितना लिक्विड उसको दे सकें, जैसे लस्सी जूस वगैरह हुआ, कोकोनट वाटर हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसको थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे अगर वो खाना नहीं खाता है। इनकेस इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एक्चुअली मैं अभी शाम का डिनर तैयार कर रही हूँ, सो यहाँ पर मैंने बनाई हुई है लौकी चने की सब्ज़ी, और अभी मुझे आटा लगाना है। ये देखो यहाँ पे सब्जी बनाई हुई है और अभी मुझे आटा लगाना है, तो मैं डिनर रेडी करूँगी और उससे पहले मैं वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।